ब्रेकफास्ट कर लीजिए। इस रूम की हो गई है अच्छे से डस्टिंग और बेडशीट मैंने चेंज कर दी है। और अब से जो भी रूटीन होगा वो आपके साथ मैं शेयर करूंगी। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगी इनके लिए लंच ब्रेकफास्ट। दाल रखी हुई है तो ब्रेकफास्ट के लिए मुझे बनाने हैं पराठे। ये दाल में मैंने ब्लेंडर चला दिया है। दाल कुछ दाल जो है वो खाई नहीं जाती वासी, जैसे छोले राजमा ये वाले तो साबुत दाल खा लेते हैं, लेकिन इस तरह की दाल बासी खाई नहीं जाती है, तो इसको मैं पराठे या रोटी में यूज़ कर लेती हूँ। अब देखती हूँ रोटी भी मैं बना सकती हूँ, रोटी बनाऊँगी क्योंकि बच्चे तो जा चुके हैं, उनको तो मैंने लंच दे दिया। और सब्जी भी आज मैंने नहीं बनाई है क्योंकि कल का ब्लॉग आपने देखा राजमा रखा हुआ है काफ़ी सारा और बच्चे भी राजमा ही लेके गए हैं। तो अब मैं इनके लिए दाल वाला आटा बनाऊँगी और इससे पहले पियेंगे हम चाय। ये बन गई है हमारी चाय। चाय आज मैंने थोड़ी बनाई है, मन ज़्यादा कर नहीं रहा है चाय का क्योंकि थोड़ी सी चाय मैंने इनको पहले दे दी थी एक बार। जल्दी उठ जाते हैं ना बच्चे, जल्दी जाते हैं तो फिर अब तक 8:30 तक बहुत मुश्किल हो जाता है। 8 बजे तो हम पूजा ही शुरू करते हैं और अब जल्दी जल्दी चाय पियेंगे और तुरंत फिर इनका मैं ब्रेकफास्ट बना दूँगी, साथ साथ ही ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे और फिर उनका लंच पैक कर दूंगी। तो लंच तो आज राजमा के साथ दही के साथ ही जाएगा, कुछ ऐसा ज़्यादा मुझे करना नहीं है। ये दाल का मैं आटा लगा लूँगी। ये अंदर बेड पे देख रहे हैं इधर अपना फोन। चाय के बाद फटाफट आ गई हूँ किचन में और आटा लिया, डाल दी है इसमें दाल जिसमें मैंने ब्लेंडर पहले ही चला लिया था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मसाला दाल में डाल लिया था जिससे कि थोड़े फीके ना लगे। अगर ब्रेकफास्ट में हम ऐसे भी खाएंगे बिना सब्ज़ी के भी, तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी मैंने उसमें लिया और दाल लगी हुई थी वो भी इसी में ऐड कर दिया और ये हमारा आटा लग के हो गया है रेडी फटाफट से। और बच्चे तो दोनों जा ही चुके हैं तो ज़्यादा आटा मैंने नहीं लगाया, थोड़ा सा आटा इतना काफ़ी होगा, इसमें इनका लंच भी हो जाएगा सबका ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे फटाफट से लोई ली और ये मैं साथ साथ ही काम कर रही हूँ, इतना टाइम आज नहीं था कि थोड़ा सा भी आटे को रेस्ट दे सकूँ, लेकिन दाल का आटा है बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट सा बन गया है, उसको रेस्ट की ज़रूरत भी नहीं है। इनके लिए एक चीज़ पराठा बना रही हूँ, एक चीज़ स्लाइस ली है बेल के नॉर्मल और बस सिंपल ऐसे ही मैंने इसको किया फोल्ड और ये बना दी जो है चकोर वाला, क्या बोलते हैं इसको, बोलते तो हैं इसको क्या पेटी क्या बोलते हैं, पैटी पुटी जो भी बोलते हैं वो मुझे इतना नहीं पता। सिंपल सा चीज़ पराठा बनके तैयार हो गया है, इसमें आप जो है ओरिगैनो डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बनाया है बिल्कुल सिंपल तरीके का क्योंकि जिसके अंदर हल्का सॉल्ट होता है और जो है आटा में भी सॉल्ट है मसाला है तो इतना काफ़ी होगा। हल्का सा घी लगाया और इसको दिया है सेक मैंने, बस इतना इनके लिए ब्रेकफास्ट काफ़ी होगा। चाय भी हमारी लेटी हुई है तो इतना खाने, और इन दिनों में ना ऐसा हो रहा है कि ज़्यादा खाने पीने का मन होता ही नहीं है, और जब से इनकी तबीयत ख़राब हो रही है इनका भी ऐसा ही हो रहा है और मेरी भी ऐसी चलती रहती है, आज ठीक हूँ कल थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो इस तरीके से चल रहा है। पराठा बीच में से कट कर दिया है और थोड़ा सा इसको हल्का सा फाड़ दिया है जिससे कि ये ठंडा हो जाए, टेक्सचर बहुत अच्छा है पराठे का, तो इनको खाने के लिए दे दिया है और मैं फटाफट से फिर से सेकने लगी हूँ पराठे क्योंकि पापा के लिए भी सबके लिए पराठे ही बनाऊँगी, तो सोचा इनके लिए क्या 2-3 रोटियाँ बनाऊँ और राजमा के साथ ना रोटी इतनी अच्छी भी नहीं लगती है, तो 3 पराठे मैं इनके लंच में पैक करूँगी फटाफट से। और हल्का सा मैंने घी लगा दिया है, ऑयल वगैरह नहीं, घी से ये है कि किचन में ना धुआँ ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। आ जाइए जी ब्रेकफास्ट कर लीजिए। मैंने लिया है एक ये बड़ी सी दाल वाली रोटी जो कि पराठे की तरह सेक ली है, पराठा नहीं बनाया,
क्योंकि मुझे तेजाब हो जाता है, मतलब एसिडिटी भी नहीं होती पर अजीब सा हो जाता है, तो मैं पराठा नहीं लेती हूँ। और ये है आम का अचार, तो ये मेरा आज का ब्रेकफास्ट है। हल्का सा मैंने मक्खन रखा है क्योंकि रोटी बनाई है, तो ये मैं पहले करूँगी ब्रेकफास्ट। ये ऑफिस जा चुके हैं, सबका ब्रेकफास्ट हो चुका है, अब लास्ट में मेरी बारी। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है और किचन सब कुछ ऐसे ही छोड़ छाड़ के अब मैं बैठ गई हूँ थोड़ी देर अपना फ़ोन देखने के लिए, क्योंकि ये टाइम होता है थोड़ा सा मेरा व्हाट्सअप चेक करने का, क्योंकि आपको पता ही है मेरा दूसरा काम भी है जिस पे मुझे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो फिर आप लोग नाराज़ हो जाते हो कि आप जो है मैसेज भी नहीं देखते और रिप्लाई भी नहीं करते मेरे बिज़नेस का काम, तो उसको थोड़ा सा देख रही हूँ। जो मेरे रात के एक दो कस्टमर आते हैं तो उनको देखती हूँ, उनको रिप्लाई करती हूँ, जो अवेलेबल है नॉट अवेलेबल है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम मुझे यहाँ पे चाहिए होता है। आगे अभी मैंने ब्रेकफास्ट किया था, बैठे बैठे थोड़ा पेट भीचने से लगा था तो मैं थोड़ा सा पीछे लेट गई हूँ। 10-15-20 मिनट जितना भी मेरा लगता है इतना ही यहाँ पर मैं रेस्ट लूँगी और ये अपना काम करूँगी। उसके बाद जो है काम शुरू होने वाला है पूरे ज़ोर शोर से, क्योंकि घर पर कोई भी नहीं है, अकेले करना है मुझे ढेर सारा काम। काम का नंबर ले लिया है मैंने इस रूम से, डस्टिंग से, क्योंकि मुझे बेडशीट भी चेंज करनी है, अच्छे से डस्टिंग करूँगी आज पूरे घर की, अंदर से बाहर तक करूँगी डस्टिंग। देखती हूँ ड्राइंग रूम छूट भी सकता है, वो काम के ऊपर है कि काम कितना है, क्योंकि किचन में भी मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम आज करना है। एक दिन में मैं ये सोचती हूँ कि ये भी कर दूँ वो भी कर दूँ, काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जितना होगा उतना मैं कवर करूँगी, फटाफट से लग गई हूँ। तो चलिए अब जो है स्टेप बाय स्टेप मैं सारा काम करूँगी, पहले इसका रूम का करूँगी, फिर किचन का करूँगी, उसके बाद फिर दूसरे काम जो कि सब आपके साथ शेयर करूँगी। हो गई है अच्छे से डस्टिंग और बेडशीट मैंने चेंज कर दी है फटाफट से, रिकॉर्ड नहीं किया बहुत बड़ा व्लॉग हो जाता है, तो ये वाली कॉटन की बेडशीट मैंने इस पर डाल दी है। एक्चुअली क्या था यहाँ पे मैं क्लिप चलाना ही भूल गई तो ये मेरा रूम हो गया है कंप्लीट। अब मैं चलती हूँ दूसरे काम पर, सबसे पहले लगाऊँगी मैं मशीन और उसके बाद चलती हूँ मैं किचन में। लगाने के बाद आ गई हूँ किचन में फटाफट से, और सबसे पहला काम क्या किया है जो कि बर्तन की बास्केट है जिसमें मैं बर्तन धो के रखती हूँ, तो सबसे पहले लिया इसका ड्रेनर, उसको अच्छे से साफ़ किया, पानी इतना जम चुका था इनमें भी, क्योंकि एक वीक में एक ही बार मुझे अच्छे से मतलब दिन मिलता है कि जी घर के काम अच्छे से कर सकूँ। रोज़ करती हूँ काम, डेली होते हैं काम, कोई नहीं छूटता है, लेकिन आपको पता ही है जल्दी काम करने का मतलब होता है जल्दी काम करो, जैसे कि ये बास्केट वगैरह साफ़ करनी है, इसमें ऐसे पानी निकाल लिया, पर उस तरीके से नहीं होती है जिस तरीके से आज मैं इसको करूँगी। किचन का एक अलग से मैं हार्पिक रखती हूँ, सारी चीज़ें उससे आज क्लीन होंगी, मेरे यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा जमता है आपको पता ही है, तो प्लास्टिक की चीज़ें भी उसी से मैं साफ़ करूँगी। तो ये मैंने पहले ही कर लिया था, बास्केट मैं अच्छे से बाहर बैठ के रगड़ के लेके आई हूँ, क्योंकि इतनी ईजी नहीं था उसको साफ़ करना, और धीरे धीरे करके उसमें थोड़ा सा जो है लाइन सी बनी रहती है तो उसमें टाइम लगता है। तो सबसे पहले किया ये साफ, अब करूँगी बर्तन साफ फटाफट से। यहाँ पे तो हार्पिक का काम नहीं कर सकती थी, सिंक पे पड़े थे बर्तन, तो यहाँ पे सिर्फ मैंने उसको अच्छे से एक बार धो लिया है, बाकी मैं बाहर साफ करके लेके आई हूँ। बर्तन कर लिए हैं और यहाँ पर लग गई हूँ चिमनी को साफ़ करने के लिए, जो इसका ये ग्लास है, चिपचिपापन इतना हो रहा है कि बिल्कुल भी उतर नहीं रहा था, मैंने सोचा कोलिन से काम चल जाएगा, लेकिन फिर इसको मुझे जो है साबुन से ही करना पड़ा, मतलब विम जेल से ही, थोड़ा सा मैंने वो भी लिया फिर बाद में जब जाके अच्छे से ग्लास साफ़ हुआ। टाइल्स मेरी जो है
वो डेली कपड़ा मैं इन पर लगा देती हूँ, तो ये इतनी नहीं होती हैं। ये कॉलिन से हो गई थी। कॉलिन का मतलब ये नहीं है कि मैं टाइल्स के लिए कॉलिन लेके बैठी थी, टाइल्स तो नहीं करते हैं कॉलिन से, लेकिन मेरा काम है कि जल्दी जल्दी हो जाए कबड़ के लिए। फ़िल्टर निकाल के रख दिए और इसको थोड़ा साफ़ कर दूँगी, ग्लास वगैरह साफ़ करके छोड़ दूँगी। फ़िल्टर मेरे सबसे लास्ट में धुलेंगे, वो मैं बाहर रख के आ गई हूँ, किचन में नहीं धुलूँगी। और बर्तन का काम करने से पहले बीच बीच में मैं जो है ये सफाई में लग गई हूँ, क्योंकि फिर मुझे दूध भी बॉयल करना है, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर भी थोड़ा सा ना विम जेल डाल के छोड़ दिया है, जिससे कि मेरा चूल्हा भी अच्छे से साफ़ हो जाएगा। इसको भी वीकली मैं बहुत अच्छे से साफ़ करती हूँ, क्योंकि ग्लास है फिर इस पर भी जम जाता है। और इसी तरीके से यहाँ पे लग गई हूँ मैं टाइल्स साफ़ करने के लिए, क्योंकि कॉलिन से तो नहीं होती हैं टाइल्स, तो वही मैंने साबुन वाला स्पंज लिया है टाइल्स के ऊपर भी। और जो मैंने ये कॉलिन रखा हुआ है इसको मैंने ग्लास किया है, लेकिन ग्लास अच्छे से हुआ नहीं था, उसको भी फिर मुझे जो है उससे ही करना पड़ा। और ये मैं जो फाइबर के हैं मेरे कवर, इनको कर लेती हूँ कॉलिन से। एक बार मैं गीले कपड़े से कर लेती हूँ, और लेकिन आज करूँगी कॉलिन से, क्योंकि थोड़ा सा इनमें भी चिपचिपापन सा हो ही जाता है, कपड़ा उतना साफ़ नहीं करता है। तो ये ढेर सारी काम है, आज डीप क्लीन है, थोड़ी सी किचन की वो करूँगी। और अकेले का काम आपको पता ही है कि एक एक काम करने में टाइम तो बहुत जाता है। ब्लॉग तो आपको इतना लंबा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप बोर हो जाएंगे, लेकिन मुझे टाइम आज जो है काफ़ी लगने वाला है सारे कामों में। आपको पता ही है कि कितना टाइम लगता है, उतना ही मुझे लगेगा। तो अच्छे से गीले कपड़ा जो है साफ़ करके, मतलब धुल के निचोड़ के, उससे मैं इसको पोंछ लूँगी। और मेरा काम सिंपल कपड़े से, जो गीला कॉटन का कपड़ा होता है उसको गीला किया, धुला, मतलब अच्छे से गीला का मतलब धुला, और फिर उसको बार बार से साफ़ कर लिया। तो इस तरीके से मैं अपने किचन की सफाई करती हूँ, सारे टाइल्स पे कपड़ा अच्छे से पोंछ दूँगी। और ये आप जो मेरा इंडक्शन देख रहे हैं ना, ये इतना बड़ा बेशरम हो चुका है, ये ख़राब हो गया था, फिर मैंने इसको हटा दिया था। एक दिन सिलेंडर ख़त्म हो गया, कोई लगाने वाला नहीं था, अकेले मुझसे बाहर से नहीं आता था, तो फिर मैंने इसको देखा, देखती हूँ कि ये चलता है कि नहीं, ये फिर से चल गया, और फिर मैंने इसको किचन में रख दिया। ये ख़राब हो गया था लगभग एक डेढ़ हफ्ता पहले, और दोबारा से मैंने किस दिन रखा, जन्माष्टमी के दिन। क्या हुआ, सिलेंडर ख़त्म हो गया, घर पे उस टाइम कोई भी नहीं था, और मुझे लेट हो रहा था मीठा बनाने के लिए, प्रसाद बनाने के लिए, उससे पहले करना था दूध बॉयल, तो ये रखा हुआ था। मैंने सोचा चलिए इसको थोड़ा सा रेस्ट मिल गया, देखती हूँ भाई चल जाए, क्योंकि अकेले से मैं सिलेंडर बाहर से ला नहीं सकती थी उठा के, तो ये चल गया। बस मुझे इतनी हंसी आई और सबको हंस हंस के मैं बता रही थी कि मैं इससे बड़ी बेशरम, और ये मेरे से बड़ा बेशरम हो चुका है, क्योंकि 8 साल हो गए हैं इंडक्शन को, और पूरी तरह से मैं इसका यूज़ करती हूँ, ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही शौक के लिए रखा हुआ है। एक डेढ़ हफ्ता मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था इसके बगैर, क्योंकि जितना घर में जितनी बार चाय बनेगी, दूध बॉयल होगा, वो सब मैं इसके ऊपर करती हूँ। पहले तो मैं सब्ज़ी वगैरह भी इसके ऊपर बनाती थी, तो बहुत यूज़ में लिया 8 साल, इतना पैसा वसूल ये चीज़ निकली। तो मैं बोल रही थी ना पहले भी आपको कि इसको मैं लूँगी, चेंज करूँगी, तो सोचा कि नवरात्रि के आसपास ही ले लूँगी, तब चीज़ें न्यू लेना ना अच्छा लगता है। तो किचन तो हो गई है एकदम चकाचक, ये देखिए मेहनत तो बहुत लगी है, और मतलब जल्दी भी मैं बहुत कर रही हूँ। कबड़ मैंने नीचे नीचे से ही किए हैं, ऊपर तक मतलब वो नहीं कि कुछ नीचे रखना पड़ता है मुझे, ऊपर तक हाथ नहीं जाता। तो कबड़ वगैरह सारे चकाचक शीशे की तरह चमक गई है आज पूरी किचन, बहुत अच्छा लग रहा है। अब चलती हूँ मैं अपने दूसरे कामों में। सिंक वगैरह मैंने हार्पिक से साफ़ करी है। आप बोलते हो किस तरह से चमकती है, जो मैं बोलती हूँ ना कि मैंने एक हार्पिक अलग रखा हुआ है किचन के लिए, तो सिंक को मुझे उसको उससे साफ़ करना पड़ता है। स्टील काली हो जाती है, लेकिन बहुत ध्यान से ना, सिंक का मतलब ये नहीं, सिंक के ऊपर जो पानी जमता है, ये साइड जो आप देख रहे हैं ना ब्लैक ब्लैक, इनके ऊपर मैं हार्पिक का यूज़ करती हूँ, पत्थर के ऊपर साइड जो वो कॉर्नर से होते हैं ना, बहुत ब्लैक ब्लैक पानी जम जाता है, काला हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। किचन चमक गई है पूरी तरह से, क्लीन हो गई है, बहुत ही प्यारी सुंदर लग रही है। और उसके बाद आई हूँ मैं फ्रिज के पास, क्योंकि फ्रिज भी गंदा हो रहा था, उसमें भी हाथ वातों के निशान हो ही जाते हैं। वैसे तो मैं गीले कपड़े से करती रहती हूँ, चलता काम जिसको बोलते हैं, क्योंकि मुझे शॉप पर जाना होता है, आपको पता ही है, लेकिन आज चलता नहीं करना, आज करना है अच्छे से। तो कॉलिन से, कपड़े से, अच्छे से इसको भी मैं रगड़ रगड़ के पूरा चमकाऊंगी आज। बाहर अंदर इतना गंदा नहीं है, अंदर मैं हल्का सा गीले कपड़े से इसको साफ़ करूंगी, बिल्कुल साफ़ है। बास्केट लग रहा था, खाली हो रही थी कि इसको मैं धुल दूँ, लेकिन फिर देखा कि इतनी गंदी नहीं है, क्योंकि इसमें भी मैं एक मैट डाल के रखती हूँ, तो इसको भी मैंने गीले कपड़े से ही साफ़ किया। फ्रिज मेरा बिल्कुल साफ़ है, आज सब्ज़ियाँ ख़त्म हो रखी हैं, एक आधी चीज़ पड़ी है इसमें सब्जियां, फ्रूट, कभी कभी इतना भर जाता है, लेकिन आज खाली था, तो अंदर बाहर से अच्छे से कर दिया साफ़। उसके बाद आ गई हूँ बाहर,
बाहर की धुलाई करना भी बहुत ज़रूरी था, बहुत गंदा हो रहा है आजकल। क्या है, रोज़ ही बारिश का मौसम बूंदाबांदी का चलता रहता है, कचकच हो रही है, मतलब नीचे ना गीला हो जाता है तो बहुत गंदा लगता है। बाहर की बाइक वगैरह आती हैं, चप्पलें आती हैं, बहुत गंदा। और बच्चे डेली स्कूल जा रहे हैं तो डेली तो मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन आज अच्छे से सारे में धुलाई करूँगी। गेट के ऊपर भी धूल धूल हो रही थी तो उसको भी मैं धुल देती हूँ। लाइट आ गई, कभी जा रही है कभी आ रही है, तो मैंने मोटर चला ली है ताज़ा ताज़ा पानी, और यहाँ पे कर दूँगी सारे में धुलाई। श्रेय करता है ज़्यादातर, मेरा नंबर नहीं आता है बाहर धुलाई का, लेकिन अब श्रेय का कॉलेज चल रहा है, अब ये धुलाई के लिए श्रेय तो घर पे नहीं रुकेगा, और सुबह इतनी जल्दी तो होती नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से कर दी है अपने तरीके से धुलाई, पहले मैं ही करती थी लेकिन अब मेरा नंबर नहीं आता, श्रेय कर देता है। लेकिन मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत मेरा मन लगता है काम करने में घर के, क्योंकि यही किया है पहले से, बहुत मन लगता है। थकान हो जाती है लेकिन जो मन को शांति मिलती है ना घर में सफाई करके, वो तो एक अलग ही है। तो अच्छे से यहाँ साफ़ करके अब मैं चलूँगी अंदर। अभी मेरे फ़िल्टर साफ़ करने पड़े हैं, जो जो काम मुझे दिखता जा रहा है हिसाब से उसको मैं करती जा रही हूँ, और फिर उसके बाद करूँगी मैं पोछा वगैरह। फ़िल्टर अभी पड़े ही हैं, मोटर चली हुई थी तो साथ साथ मैं यहाँ पे सफ़ाई करने लगी हूँ, क्योंकि यहाँ पे बारिश के मौसम में पानी का यूज़ रहता है हर टाइम, तो यहाँ पे भी ना काई जैसी लग जाती है साइड में, तो ये छोटी छोटी जो किनारी टाइप होती है ना, जो दरार सी होती है, इनमें बड़ा गंदा लगता है। तो यहाँ पे पाइप से अच्छे से मैं पूरी तरीके से सफाई कर रही हूँ बैठ के, झाड़ू से, छोटी सी मैंने एक झाड़ू ले ली है। तो ये सारे काम ना स्टेप बाय स्टेप मैं करती जा रही हूँ। उसके बाद अब मैं गर्म पानी में अच्छे से करूँगी चिमनी के फ़िल्टर पड़े हुए हैं वो साफ, और फिर लास्ट में लगेगा मेरा पोछा, तब जाके मेरा काम कंप्लीट होगा। और मुझे लग रहा है कि अंश आ ही जाएगा, तब तक मेरा आज काम नहीं होगा, क्योंकि अंश आएगा 2:15 के करीब, 2:30 से पहले आ जाता है मतलब। तो तब तक देखती हूँ मेरा हो पाता है या नहीं हो पाता है इतनी जल्दी। बीच बीच में मुझे व्हाट्सअप भी चेक करना पड़ता है, वो काम भी नहीं छोड़ती हूँ, जो काम है वो सब करने हैं। तो यहाँ पे अब ये वॉश बेसिन है, इसको भी साथ साथ हाथ के हाथ साफ़ कर देती हूँ। ये मैंने बाहर रखा हुआ है एक हार्पिक, जो कि सभी अपने वॉशरूम के लिए रखते हैं, इसको मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। किचन का मैं एक अंदर रखती हूँ। तो इस तरीके से सारे काम मैनेज हो जाते हैं, और एक हाउस वाइफ को घर की सफाई करके ना बहुत अच्छा लगता है। बाहर काम करके तो लगता ही है, जो मेरा बिजनेस है उसमें भी मन लगता है, लेकिन घर के लिए टाइम निकालना वो भी बेहद ज़रूरी है। कपड़े मेरे कब के धुले पड़े थे लेकिन मशीन में ही थे, मैंने निकाले भी नहीं थे। बाथरूम भी मैंने अच्छे से साफ़ करा है आज, क्योंकि छुट्टी है, छुट्टी के दिन काम में लगी हुई हूँ तो वो भी करना पड़ता है, वो करना तो पड़ता ही है किसी ना किसी दिन, लेकिन ऐसा नहीं होता वो सुबह जल्दी कर लो, फिर नहाना धोना पड़ता है, सारा सर्वर धुलना पड़ता है। वैसे तो आज थर्सडे का दिन होता है, सर नहीं धुला जाता है, लेकिन मैंने पानी डाल लिया, ऐसे मेरा मन नहीं मानता वॉशरूम वगैरह साफ़ करके। तो नहा धो के अब लग गई हूँ ये कपड़े सुखाने के लिए, और अंश का आने का टाइम हो गया है, लेकिन उससे पहले पहले बस ये है कि आ ही गया था मतलब, तब तक जब तक मैंने कपड़े सुखाए थे इतना टाइम मुझे हो गया था। साथ साथ आज बेडशीट भी मैंने धुल दी है, धूप हो रही है सूख जाएगी, और हवा भी चल रही है, मतलब मौसम ठीक सा ही हो रहा है। बहुत तेज़ तो नहीं है हवा, पर हाँ ये है कि मौसम आजकल ठीक है, धूप भी बहुत तेज़ नहीं है, बादल वाला ही मौसम है, पर कभी कभी हो रही है। तो यहाँ पे सुबह आपने देखा ही था, कुछ ज़्यादा मैंने बना के ना तो कुछ रखा था, ना मैंने आटा ही एक्स्ट्रा बनाया था, कुछ नहीं था। तो अब थोड़ी थोड़ी भूख पेट में लगी हुई है, थोड़ी थोड़ी क्या लगी हुई है, अंश को थोड़ी भूख है तो वो आ चुका है स्कूल से, तो थोड़ा सा जुगाड़ कर रही हूँ खाने पीने का, जिससे कि कुछ क्विक भी हो जाए और थोड़ा सा हल्का भी हो जाए और खा भी ले, मतलब वो भी नहीं कि भूखे रह जाए। तो लिया है यहाँ पे मैंने बेसन 2 चम्मच डाल दिया उसमें चावल का आटा, और थोड़े से यहाँ पे डाल दिए हैं इसमें मैंने मसाले, जैसे थोड़ा सा धनिया पाउडर, अजवाइन डाली है बहुत अच्छा टेस्ट आने के लिए, और सॉल्ट, थोड़ा सा अमचूर पाउडर या चाट मसाला जो भी आपके पास हो वो डाल दिया है, हल्की सी डाल दिया, एक पिंच हल्दी, बेसन का चीला बना रही हूँ। चावल के आटे से बढ़िया क्रिस्पी बनता है, टेस्ट भी अलग आता है, और उसमें ना क्रिस्पीपन ज़्यादा आ जाता है, मतलब बेसन का उतना क्रिस्पी नहीं बनता जितना चावल के आटे से हो जाता है, टेस्ट चेंज नहीं होता है बिल्कुल भी, बस ये है कि हाँ सिकने में फ़र्क होता है। तो बस पानी डाल के इसका बैटर तैयार कर लेती हूँ, बिना वेजिटेबल के सिंपल एकदम क्विक वाला, जिसमें कुछ टाइम लगता ही नहीं है, ना कोई तामझाम, ना कोई काटपीट करनी, और लिया पैन, उसमें डाला हल्का सा, मतलब चिकना किया उसको घी से, और डाल दिया ये बेसन, अजवाइन वाले चीले बना रही हूँ, फटाफट से बन जाएंगे और खाने में भी टेस्टी लगते हैं।
तो चीला फैला दिया है और इसके ऊपर डाला एक बूंद घी और बस फिर इसको पलट दिया। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा चीला सिक्के हो गया तैयार। क्योंकि टाइम भी सही बताऊं लंच का तो है ही नहीं और लंच हम हैवी करते नहीं हैं क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट जो होता है वो लेट ही हो जाता है। ब्रेकफास्ट में भी आपने देखा उस बीच में मैंने कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ पानी लिया। तो इस तरीके से काम में लग जाती हूँ, भूल जाती हूँ सब कुछ। हाँ, बीच में लड्डू गोपाल को भोग ज़रूर लगाया था क्योंकि उनका टाइम हो चुका था। तो फल फ्रूट दही उनके लिए बहुत कुछ होता है भोग लगाने के लिए। और अब बना रही हूँ फटाफट से दोनों माँ बेटा के लिए फटाफट से चीले। तो इनको खाने के बाद फिर थोड़ा सा करूँगी रेस्ट, हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं है, देखती हूँ टाइम मिलेगा। मुश्किल से 15-20 मिनट मिलेंगे मेरे हिसाब से, तब तक मेरा चाय का टाइम हो जाएगा। चाय अभी नहीं बना रही हूँ, पापा तो का भी टाइम नहीं हुआ है और लंच पापा नहीं करते हैं, आपको पता है। वो लंच के टाइम पे फल फ्रूट इस तरह की चीज़ें लेते हैं। मतलब मेरा कोई रोल नहीं होता है लंच के टाइम पे कि उनको कुछ, मतलब उनका कोई काम है, उनका खाना पीना है, कुछ नहीं है। इतने उस तरीके से वो अपनी डाइट रखते हैं। तो ये देखिए बेसन वाले चीले जो कि बिल्कुल डोसे जैसे बन रहे हैं। और रख दिया है सॉस थोड़ा सा, अंश को दे देते हैं। आ गई हूँ फिर से किचन में, थोड़ा सा रेस्ट किया, सोई नहीं हूँ क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं था। सही बताऊँ रेस्ट किया ही नहीं, दो चार कपड़े फोल्ड करे बस उसी में रेस्ट हो गया, कुछ नहीं हुआ है। और अब चढ़ा दूँगी चाय। बर्तन अभी ऐसे ही रखे हुए हैं, थोड़े से बर्तन लगा देती हूँ, चाय चढ़ा देती हूँ, फिर शॉप पर जाने का टाइम हो जाएगा। फुल डे ऑफ नहीं रखती हूँ, वैसे मैं रख सकती हूँ फुल डे ऑफ। कुछ लोग जो है फुल डे रखते हैं, कुछ हाफ डे रखते हैं, कुछ नहीं भी रखते हैं, वो तो खैर अपनी मर्जी है, ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है किसी के ऊपर। काम है तो रख भी सकते हैं, लेकिन काम क्या होता है, मेरा बिज़नेस ऑनलाइन भी है आपको पता ही है, तो पार्सल जाने हैं तो उसके लिए हम माँ बेटा को जाना पड़ेगा, पार्सल पैक करने हैं जाने के बाद, तो मेरा जाना इसीलिए ज़रूरी है। तो हम शाम को जाएंगे, मतलब हाफ डे ही मैं रखती हूँ ऑफ, नहीं तो हमेशा ही दुकान खुलती ही है हमारी। फ़िल्टर अभी नहीं लगाए थे, फ़िल्टर सेट कर दिए हैं और साथ साथ बर्तन भी लगा दिए हैं। चाय बन रही है, दूध अभी गर्म है, आज थोड़ा लेट ही गर्म हुआ था तो इसको अभी फ्रिज में नहीं रख रही हूँ। बाहर धुलाई कर रही थी तो तोड़ के लेके आई थी मरवा चटनी के लिए। मरवा अगर आप जानते हो, मरवे की चटनी शाम को बनाने वाले हैं, बहुत टेस्टी बनती है। सुबह ऊपर गए छत पे जल चढ़ाने के लिए, इनके साथ मैं गई, ये गए तो बोले कि मरवे की चटनी नहीं बनाते हो, तो मुझे आज ही याद आया कि चलो आज ही मरवे की चटनी बनाऊंगी। तो मरवे के पत्ते तोड़े, धुलाई कर रही थी, याद आ गया, साथ साथ तोड़ लिए देखिए। और इनको अलग अलग पत्ते तोड़ के रख दिए हैं, अब रात को खाने के टाइम पे बनेगी इनकी चटनी, बहुत टेस्टी चटनी बनती है मरवे की, हरी मिर्ची और प्याज के साथ। तो ये धुल के रख दिया था, अब पत्ते भी टूट गए। आज के व्लॉग में इतना ही, बहुत लंबा व्लॉग हो गया है। कुछ भी पसंद आया हो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, बताइएगा कि क्या मेरा स्टेप बाय स्टेप रूटीन, कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।